प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में चुनावी प्रचार को आगे बढ़ा रहे। बेलगावी से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। शहजादे ने राजा महाराजाओं को अत्याचारी कहा और शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया। राहुल गांधी पर हमला बोला। शहजादे ने कभी नवाबों और सुल्तानों पर कभी सवाल नहीं उठाया। तुष्टीकरण के लिए ऐसा बयान दिया गया है। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की रैली में। भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, आइए अब आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं पर क्या कहा था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और इस बीच राहुल के आरक्षण खत्म करने के आरोप पर अमित शाह ने पलटवार किया है। बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। लोगों को गुमराह किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी एससी के आरक्षण पर हमले किए हैं। जामिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी ओबीसी आरक्षण नहीं है। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि जब तक मोदी सरकार है आरक्षण जारी रहेगा। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है। पिछड़ा समाज का हमेशा विरोध किया, बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा परेशान किया और ट्राइबलों को कभी न्याय देने का काम नहीं किया। आदिवासियों को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर। मैं देश की जनता को फिर से एक मोदी गारंटी रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी का गारंटी है।